गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज जा रहा हूँ समूह के गांव। जैसे कि देख सकते हो अभी हम लोनावा दरगाह में पहुँच चुके हैं। यहीं से थोड़ी दूर पे है समूह का गांव। तो चलो समूह भाई से मिलते हैं और आप सभी को दिखाएंगे। तो चलो चलते हैं और आप सभी को लोनावा गांव भी दिखाते रहेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है इस ब्लॉग में। देख सकते हो लोनावा का बहुत सालों बाद आया हूँ, करीब 6-7 साल बाद आया हूँ। गाँव में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। गाँव में मज़ा है जो कहीं पर नहीं मज़ा है। तो चलो गांव में मज़े करते हैं और उनसे मिलते हैं। जो मुलाकातें होगी तो मिलेंगे, नहीं मुलाकातें होती तो कोई बात नहीं। पर गांव में जो आनंद आ रहा है वो यार मार्केट में नहीं आता। बहुत दूर, करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर समूह का गांव पड़ता है, थरगुपुर से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर। और मैं उनके गाँव में आया हूँ। तो चलो आप सभी को उनका गाँव भी दिखाता हूँ। और यहाँ पर जो नेचर है बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। तो चलो चलो चलते हैं और आप सभी को दिखाते हैं। तो अभी पहुँच ही गए और गांव का नेचर बहुत अच्छा लग रहा है यार। 6-7 साल बाद आया हूँ पर जो मज़ा आ रहा है गांव में वो कहीं पे मज़ा नहीं आता है। मार्केट में चला गया था, कुछ महसूस नहीं होता था, पर गांव में आ जाया तो खुशी मिल गया यार, कसम से। जो खुशी गांव में यार कहीं पे नहीं है। तो चलो ये देख सकते हो गाँव में तो हम पहुँच गए। चलो आप सबको दिखाते हैं। ये मार्केट है, लोनावा दरगाह का मार्केट है, देख सकते। तो चलो अभी समूह भाई के घर पे पहुंचने वाले हैं। बस यहीं से करीब 10 कदम होगा मुश्किल से। तो चलो चलते हैं समूह के घर पे, देखते हैं मिलते हैं कि नहीं। बहुत बिजी रहते हैं आजकल। तो चलो भाई देखते हैं और पूछते हैं कि समूह भाई कहाँ हैं। चलो उनके घर पे पहुंचने ही वाले हैं। जैसे कि देख सकते हो समूह के गाँव पर पहुँच गया। और समूह के गाँव देख सकते हो, उनका मोहल्ला कैसा है, माहौल ठीक ठाक है। और अभी मिलते हैं समूह भाई से, देखते हैं फिर मुलाकात होती है। यहाँ पे पोपट हो गया, जिसे मिलने आया था उनका बाइक ठहरे, लगता है कहीं जाने वाले हैं। तो चलो उनसे मिलते हैं, जो मिलेंगे तो ठीक है वरना कोई बात नहीं। देखते हैं समूह भाई आते हैं कि नहीं। इंतज़ार, इतना देर से इंतज़ार किया। सो हे गाइस, समूह भाई यार घर से निकला है, बहुत देर तक इंतज़ार करना पड़ा यार। और ठीक है भाई, बहुत देर तक आपके घर पे यार इंतजार किया भाई। ओ यार हम खाना खा रहे थे यार, कितने बज रहा है, तीन बज रहा है, 3 बजे खाना खा रहे हैं। और कैसे हो भाई? सब बढ़िया भाई, अपने बताओ आप कैसे? हम भी मस्त हैं यार, इतनी दूर से आए, इतना देर तक इंतजार किए। इतनी दूर से आए थे, लेकिन बुलाया किसने था? आप ही ने बुलाए थे। हम बुलाए हैं। चलो ठीक है, मैंने कौन बुलाया, जाओ यार, जब मैं कैमरे के सामने नहीं आऊँगा। ठीक है जाओ जाओ जाओ। देखो ये होता है बड़े बड़े यूट्यूबर के साथ नौटंकी होता है। छोटे छोटे यूट्यूबर आते हैं तो उनसे मिलते नहीं है जल्दी, और बहुत ज़्यादा यूट्यूबर बहुत बड़े एटीट्यूड हो गए ना। तो अभी चलो इनसे बात करते हैं। शूट पकड़ने के लिए जा रहे हैं, ये इधर देखो, शूट करने के लिए जा रहे हैं। ये है हमारा माइक, स्टैंड नहीं लेकर जा रहे हैं क्योंकि ये भाई हमारे कैमरामैन हो गए हैं, उनका जुगाड़ हो गया है। अभी हम चल रहे हैं शूट करने के लिए वीडियो, और चलते हैं, जल्दी चलो 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 समूह भाई का गांव दिखाते हैं। तो समूह भाई का गांव बहुत अच्छा है और बहुत मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि 6-7 साल बाद आया था इधर घूमने के लिए।
तो जैसा कि देख सकते हो यार, गांव में बहुत ज़्यादा पब्लिक है और बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि काफ़ी दिन बाद आओ गांव में, देखो छोले समोसे कैसे बिकते थे, गांव में कैसे भाजी बिकते थे यार, बहुत याद आते हैं गांव के। पर आज समूह भाई के गांव में आए, बहुत आनंद आया यार, गांव में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। छोटे छोटे दुकान है और छोटे छोटे वो सब मिलते थे, देख सकते हो यार, बहुत समय बाद आया, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है और बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा सा फील हो रहा है यार। ऐसा ही मौका मिलता रहे बार बार, मार्केट में रहो तो ज़्यादा बिजी होने के कारण नहीं आ पाता हूँ यार गांव में, पर आज मौका मिला तो मैं कहा तो चलते हैं, और समूह भाई बुला रहे थे तो मैं चल दिया यार, मैं कहा आज जाऊँगा ज़रूर। एक वीडियो में आने के लिए 500 रुपये आपको देना पड़ेगा। ओके तभी मैं आपका वीडियो बनाऊंगा। चलो चलेगा, वरना अगर आप मेरा वीडियो डालोगे, आप 500 रुपये ले सकते हो तो कोई बात नहीं, ले सकते हो भाई, वो कोई दिक्कत नहीं है। लाओ लाओ, अभी तो मैं 10 रुपये लेके आया हूँ, 10 रुपये में काम हो सकता है। ठीक है, तो पहले पेमेंट करना, उसके बाद वीडियो अपलोड। 10 रुपये में पेमेंट हो सकता है? ठीक है, कौन काम करता था आएंगे नहीं तो हम इनका फायदा क्यों करें, बताइए आप। तभी समूह भाई ट्रेंडिंग में चलते हैं, देखो यार ये सब देखने के लिए कहाँ मिलता है। ये खेत हरे भरे, ये सब नहीं देखने के लिए मिलता था यार गाइस, तो आज मौका मिला, आप सभी को खेत दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे देखो भैंस, मार्केट में बहुत कम देखने के लिए मिलता है यार। बहुत मज़ा आ रहा है यार तेरे गांव में यार। आपको एक बहुत अनोखे मंदिर में लेके आया था, जो बचपन में आता था यहीं पे और घूमता था और बहुत मज़ा आता था। ये मंदिर का नाम बाबा वल्लभ दास है। तो चलो अभी हम मंदिर पे पहुँचे हैं, तो चलो चलते हैं और आप सभी को दिखाते हैं। तो चलो मंदिर में, अभी बहुत दिन बाद आया, बचपन में आया करता था और अभी बहुत काफ़ी समय बाद आया, करीब 3-4 साल बाद आया। तो देख सकते हो मंदिर तो बहुत प्यारा है और कई साल बाद आया, तो शो आप सभी को दिखाते हैं मंदिर और बहुत मज़ा आने वाला है। जैसा कि देख सकते हो आपका मंदिर जो अभी बना हुआ है, और काफ़ी सारे दोस्त हो गए क्योंकि 6-7 साल पहले आया था और आज जो मौका मिला समूह को गांव में आने के लिए, तो इसीलिए मैं आ गया। और मैं सोचा क्यों ना अपने वो जहाँ पे आते थे बचपन में वो सब दिखाया जाए। तो आप सब लोग देख सकते हो मंदिर खुला नहीं है क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है, और यहाँ पे जो खुला होता तो अंदर जाके भी दिखाता। यहाँ पे बहुत मज़ा होता है, यहाँ पे भंडारा भी होता है साल में एक बार, बहुत बड़ा भंडारा होता है, देख सकते हो। बहुत दिन बाद आया, बचपन में आया करता था। चलो यहाँ से चलते हैं अभी। तो यहाँ पे देख सकते हो समूह भाई अभी पानी पी रहे हैं, हमें समूह भाई कितना भी चेहरा दुल्लो गोरे नहीं हो जाओगे। सो हे गाइस, अपना वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।